RCI online classes. Dear students, our next topic is work done in rotation of electric dipole in uniform electric field. Electric dipole को rotate कर रहे हैं electric field में, uniform electric field है. So let us consider here, this is uniform electric field and electric dipole placed in angle theta. This is dipole AB and dipole make an angle in electric field is theta 1. Let us consider. Clear? Theta 1. और रोटेट करते हैं इसको थीटा 2 तक. तो देखो बेटा ये रोटेशन होगा थीटा 2. दिस एंगल इज थीटा 2 एंड ए बी. आपका डाइपोल है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें थीटा 1 एंगल पे प्लेस था और कहाँ तक रोटेट कर दिया, थीटा 2 एंगल तक रोटेट कर दिया इसको. तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है. सो वी नो दैट हमने सेकंड चैप्टर में टो कैलकुलेट कर रखा है. टो इज इक्वल टू क्या था, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. ध्यान है क्या, टॉर्क का फॉर्मूला हमने कंसीडर कर लिया था, टॉर्क जनरेट कर लिया था कि जब भी कोई चीज़ रोटेट होती है तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, फिजिक्स कहती है वहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा. और टॉर्क की वैल्यू आई थी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो आई थी टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? सो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे रोटेशन के लिए, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है टॉ इंटू डी थीटा. ध्यान रहे सिंपल वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ आ जाएगा फोर्स जो है उसकी जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा. टॉर्क की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है, ये डी डब्ल्यू आ गया सॉरी, क्योंकि हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डी थीटा ले लिया हमने, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, सो देन वी कैन राइट इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी साइन थीटा इंटू डी थीटा. और टेकिंग लिमिट कहाँ से कहाँ रोटेट करवा रहे हैं बेटा इसको, थीटा 1 से थीटा 2, सो थीटा 1 टू थीटा 2. ओके, सो हेयर कैलकुलेशन करते हैं इसकी. इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू एंड कॉमन, यहाँ से कॉमन है पी ई. किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा यहाँ रह जाएगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट बोले जाते हैं उनको बाहर निकाल लिया. एंड इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा. एंड वी नो दैट साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज नेगेटिव कॉस थीटा, यू नो. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा एंड लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2. सब्स्टिट्यूट लिमिट एंड वी नो दैट पहले कौन सी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते बेटा, अपर लिमिट देन नेगेटिव साइन एंड सब्स्टिट्यूट इज लोअर लिमिट. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू इसको रफ कर देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा आपके पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई सब्स्टिट्यूट करो लिमिट, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव कॉस थीटा 2 एंड नेगेटिव, ये फॉर्मूले का नेगेटिव और ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा 1. अरेंज करके लिखें तो W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 पहले लिख देते हैं पॉजिटिव को और नेगेटिव को बाद में कॉस थीटा 2. दिस इज द वर्क डन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द डाइपोल इज रोटेट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अच्छा केस ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे केस फर्स्ट, जब जो डाइपोल है वो पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा है, पैरेलल रखेंगे तो थीटा 1 क्या आ जाएगा, थीटा 1 इज जीरो, जब पैरेलल होगा तो थीटा 1 इज जीरो. और थीटा 2 कहाँ तक रोटेट कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर उसको रोटेट कर रहे हैं थीटा तक, थीटा मीन्स कहीं भी कितना भी रोटेट कर रहे हैं वो थीटा 2. सब्स्टिट्यूट लिमिट्स सो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी ई, हाँ जी, कॉस जीरो एंड माइनस कॉस थीटा. कॉस जीरो इज वन सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा. क्लियर? ये आ गया जब
डाइपोल है वो पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसको थीटा एंगल तक रोटेट करेंगे तो उससे जो वर्क जनरेट होगा वो वर्क आ गया। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं, ठीक है। केस सेकंड, थीटा वन इज जीरो, पैरेलल रखा है डाइपोल और 90 तक रोटेट करें तो कितना वर्क जनरेट होगा। थीटा टू ले लेते हैं 90, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो बेटा ये, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू पी ई कॉस जीरो एंड माइनस कॉस 90। क्लियर, कॉस जीरो वी नो दैट कॉस जीरो इज वन एंड कॉस 90 इज जीरो, सो देन W इज इक्वल टू पी ई। क्लियर, जब डाइपोल को पैरेलल रखा है और 90 तक रोटेट करते हैं। क्लियर, अब एक और केस ले लेते हैं, जीरो से 180 तक रोटेट करेंगे तो कितना वर्क जनरेट होगा। वैसे तो इसका क्लियर है, इसका डबल हो जाएगा भाई, जीरो से 90 तक रोटेट करें जितना वर्क आएगा जीरो से, और 180 तक रोटेट करें उसका डबल हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। केस थर्ड, इफ थीटा वन इज इक्वल टू जीरो और थीटा टू इज इक्वल टू 180, सब्स्टिट्यूट, सो W इज इक्वल टू पी ई कॉस जीरो एंड माइनस कॉस 180। कॉस जीरो इज वन एंड कॉस 180 नेगेटिव वन, और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, सो W इज इक्वल टू पी ई कॉस जीरो इज वन एंड नेगेटिव कॉस 180 इज नेगेटिव वन। क्लियर, सो W इज इक्वल टू पी ई एंड 1 + 1 इज 2, सो दिस इज आंसर इज 2 PE। क्लियर, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाइपोल ऐसे रखा है और उसको 90 तक रोटेट करते हैं तो पी, और जैसे डाइपोल रखा है इसको 180 तक रोटेट कर देंगे तो जो आपका वर्क होगा वो होगा 2 PE। मैंने पहले बताया था इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 PE। क्लियर, तो इस तरह से हम जो वर्क डन है रोटेशन के लिए, जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इसको रोटेट करवाएंगे उसके लिए वर्क डन आ जाता है। क्लियर है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। जो वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।